का मेरे YouTube चैनल हिंदी द इजी वे में स्वागत है। आज मैं एक निबंध लेकर आया हूँ। आइए जानते हैं निबंध का विषय क्या है, विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिचय पर आते हैं। विद्यार्थी शब्द दो शब्द खंडों के मिलने से बना है, विद्या प्लस अर्थी। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्धि और विवेक। अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। अतः विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या या ज्ञान को चाहने वाला। जी हाँ, विद्यार्थी शब्द जो है वो दो शब्द खंडों से मिलकर बना है, विद्या प्लस अर्थी। विद्या मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, और अर्थी मतलब होता है चाहने वाला। तो जो विद्यार्थी होता है वह हमेशा अपने जीवन में उसे ज्ञान प्राप्ति करने की लालसा होती है, ललक होती है। स्टूडेंट अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह तरह तरह की बातें सीखता है, समाज में रहकर समाज का परिवेश से ढलता है और वह मन से पढ़ाई करता है। अतः विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या या ज्ञान को चाहने वाला। यूँ तो मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है, पर विद्यार्थी जीवन सीखने और ज्ञान प्राप्ति करने की विशेष अवस्था है। इस उम्र में विद्यार्थी तीव्र गति से ज्ञान प्राप्त करता है। जो ठीक से मन लगाकर बचपन में ज्ञान प्राप्त करता है उसकी आधारशिला मजबूत होती है और जीवन में वह सफल रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जब हम लोग इमारत देखते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव देखी जाती है कि नींव कितना मजबूत है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है कि जब जिस समय हम लोग स्कूल में पढ़ाई करने की जो उम्र थी उस समय हम पढ़ाई नहीं किए, मम्मी पापा का कहना नहीं माने और बाद में पछताते हैं। तो स्टूडेंट का जो एज होता है, जो अवस्था होती है, जो उस समय उसका समय होता है, तो उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। जो स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थी जीवन वह हम कड़ी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो वह आगे चलकर कुछ ना कुछ भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ बनता है और उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो ठीक से मन लगाकर बचपन में ज्ञान प्राप्त करता है उसकी आधारशिला मजबूत होती है और जीवन में वह सफल रहता है। परिचय के बाद आते हैं विशेषताएं। यह समय जीवन का सवेरा है। सीखने के लिए परिवार, समाज, विद्यालय का वातावरण उसके सामने बिछा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि हम हमेशा बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब विद्यालय जाते हैं तो तरह तरह के टीचर्स हमें ज्ञान देते हैं और हम तरह तरह की बातें सीखते हैं। घर में भी सीखते हैं, परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, और समाज में भी समाज के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ज्ञान प्राप्त करना ही विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य होता है। तो यह समय जीवन का सवेरा है। सीखने के लिए परिवार, समाज, विद्यालय का वातावरण उसके सामने बिछा रहता है। यह समय लगाकर सीखने और नए नए ज्ञान प्राप्त करने का है। इस अवस्था में छात्रों का एकमात्र काम विद्या अध्ययन करना होता है। यह जीवन केवल विद्यालय जाकर किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होता, अपितु घर बाहर समाज में उसको पग पग पर बहुत कुछ सीखना है। ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन केवल किताबी कीड़ा बनकर रहने का नहीं है। आप जब तक चारों तरफ हर चीज़ का अध्ययन नहीं कर लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ही बात यहाँ कहा गया है कि यह जीवन केवल विद्यालय जाकर किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है कि क ख ग घ पढ़ लिए, ABCD पढ़ लिए तो हम एजुकेटेड पर्सन बन गए, हम एक शिक्षित व्यक्ति बन गए, ऐसा नहीं होता। विशेषताएं के बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, सुखमय अवस्था। विद्यार्थी जीवन जीवन की मधुरतम अवस्था है। यह प्रसन्नता एवं आनंद की अवस्था है। इस अवस्था में वह सहंसा होता है, उसे जीवन की कोई अन्य चिंता नहीं होती और कोई भार नहीं होता। यह जीवन की स्वतंत्र अवस्था होती है। न रोटी दाल की चिंता, न कपड़े की फिक्र। उसके जीवन में चिंता एवं दुख पानी के बुलबुले के समान आते हैं और अगले ही क्षण मिट जाते हैं। उछलना, कूदना, खेलना और ठहाका मारकर हंसना इस जीवन की आम बात होती है। इस सुखमय जीवन की याद मनुष्य को जीवन भर रहती है। जी हाँ, सुखमय अवस्था। जब हम लोग बचपन की याद हम लोगों की आती है तो इस बात के लिए हम लोग थोड़ा सा दुख होते हैं कि इस बात का दुख होता है कि जो पहले की जो अवस्था थी वो पुनः वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मनुष्य को तीन पड़ाव से गुजरना पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जिस समय बचपन होते हैं बचपन की मस्ती करते हैं, जिस समय
जब युवा हो जाते हैं तो जो युवा का जो भार होता है अपने कंधों पर वो आ जाता है, और बुढ़ापे के समय में जिस समय सबको थोड़ा सा शरीर का जो अवस्था होती है वो कमज़ोर हो जाता है, इस अवस्था से भी सब इंसान को गुजरना पड़ता है। तो विद्यार्थी जीवन होता है इसमें बिल्कुल खुशी आनंद प्रसन्नता उमंग भरी हुई होती है, कोई चिंता फिक्र नहीं होती, सारा जिम्मेवारी माँ बाप के कंधों पर होती है। बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं और तरह तरह की ड्रेस पहनते हैं, जो भी उसकी इच्छा होती है वो मम्मी पापा को फरमाते हैं। तो उसके मन में जो भी चिंता होती है वो पल भर के लिए होती है और बुलबुले के समान कुछ ही क्षण में वह मिट जाती है। इससे सुखमय जीवन की याद मनुष्य को जीवन भर रहती है। हर स्टूडेंट्स अपना जो स्टूडेंट लाइफ है वह कभी नहीं भूलता। जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो अपनी बचपन की याद में जब खो जाते हैं तो अपने मित्र दोस्त टीचर्स जो उसका फेवरेट उस समय हुआ करता था, जो मित्र के साथ जो दौड़ते थे, खेलते थे, गिरते थे, ड्रेस गंदा हो जाता था, ये सब बातें याद आने लगती है। कुछ बच्चे क्लास में चोरी करते हैं, कुछ झगड़ते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो तरह तरह के बच्चे होते हैं। ये सब बातें जब सोचते हैं तो बचपन का चेहरा, मित्र का जो चेहरा है वो याद आने लगता है। चौथा पॉइंट है उपसंहार। यह जीवन है तो बहुत आनंदपूर्ण, पर विद्यार्थी के कंधे पर ज्ञान प्राप्त करने की गंभीर जवाबदेही भी रहती है। हम लोग बचपन में पढ़ाई करते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई पटना जाता है, कोई रांची जाता है, कोई भागलपुर में पढ़ाई करता है, लेकिन मम्मी पापा जब पैसे की खर्च बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं तो वो इस सपने अपने संतान के लिए यह सपने समझोते हैं कि बड़े होकर वह कुछ ना कुछ बनेगा। मैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, हमारे बच्चे आगे चलकर पढ़े, कुछ ऑफिसर बने, शिक्षित हो, अच्छा पद मिले, सम्मान मिले, ये सब मम्मी पापा की सपना, मम्मी पापा के लिए सपना होता है अपने बच्चों के लिए। तो यह जीवन तो बहुत आनंदपूर्ण, पर विद्यार्थी के कंधे पर ज्ञान प्राप्त करने की गंभीर जवाबदेही भी रहती है। जो इस जीवन का उपयोग पढ़ने लिखने ज्ञान प्राप्त करने में करता है उसका भविष्य का जीवन सुखमय बन जाता है। इसके विपरीत जो छात्र अपने समय को केवल खेलने कूदने और बेकार के कामों में बर्बाद कर देते हैं उनका भविष्य का जीवन दुखमय और कठिन बन जाता है। जब हम लोग एग्ज़ाम के समय में जब परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ नाखुश होते हैं, कुछ दुखी भी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साल भर जो परिश्रम करता है, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो कड़ी परिश्रम करता है उसके अंक अच्छे आते हैं। जो गेम खेलने में, आजकल तो मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में मोबाइल आ गया है, तरह तरह का गेम इंस्टॉल करके बच्चे खेलने लगते हैं और समय का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते, खेलने में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, व्यर्थ करते हैं, बेकार करते हैं और पढ़ाई में कम समय लगाते हैं, जिसका कारण उनका जो अंक है वो अच्छा नहीं आता, परिणाम बुरा होता है। तो ही बात कहा गया है कि बच्चे के ऊपर जो पढ़ाई लिखाई का खर्च मम्मी पापा करते हैं तो वह उसके लिए एक सपना भी देखते हैं कि वह एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर कुछ जीवन में करे, तरक्की करे। तो ही बात यहाँ कहा गया है कि जो समय का सदुपयोग नहीं करता, खेलने में अपना समय बर्बाद कर देता है, उसका जीवन दुखमय होता है और आगे चलकर उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे लोग जीवन भर पछताते रहते हैं। समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं आता है, अतः इस जीवन में सतर्क होकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समय पर जो काम करने का है वो समय पर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे तो वह काम में नहीं आएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो विद्यार्थी जीवन पढ़ाई लिखाई करने के लिए होती है। हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ लिख कर मेहनत करके बाद में उसका परिणाम अच्छा आता है, कोई टीचर्स, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तरह तरह के पद उसको मिलता है, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, जो समय का सदुपयोग नहीं करते, बड़ों का कहना नहीं मानते, तो उसका जो जीवन है वो बहुत बुरा होता है, आगे चलकर वह बेकार हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्टूडेंट
लाइफ है, इसका एक तरह से खुशी भी है और एक तरह से बहुत बड़ा बोझ भी है। खुशी इस बात की है कि बच्चे के कंधों पर जो भार होती है वो आर्थिक रूप से नहीं होती, लेकिन मानसिक रूप से ज़रूर होती है। तो कहने का तात्पर्य है, विद्यार्थी जीवन बहुत ही समय जो है बहुत मूल्यवान होता है। विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम होता है,